A capacitor is a perfect insulator for direct current, alternating current, both for direct and alternating current, and rapidly fluctuating current. चार ऑप्शंस हैं. हमें ये पूछा गया है कि कैपेसिटर किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर है. तो इंसुलेटर ऐसा मीडियम है जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता. तो हमें जस्ट ये बताना है कि कौन सा करंट जो है वो कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता. कौन सा करंट है जिसके लिए कैपेसिटर एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है. तो ये जो ऑप्शन है इसका आंसर वो है ऑप्शन बी. सॉरी, ये गलत हो गया. ऑप्शन ए करेक्ट है. डायरेक्ट करंट जो है ये एक कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर सकता है. इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से कि हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. हम एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी प्लेट को एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं. तो क्या होगा कि जो बैटरी है इसकी वजह से ये हमने डीसी सोर्स कनेक्ट किया. इस तरह का सोर्स डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स का सिंबल है. तो इसकी वजह से क्या होगा कि कुछ लम्हे के लिए, थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा. जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक फ्लो करेगा. इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. लेकिन एक लम्हे के बाद, थोड़ी देर के बाद, ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा और फर्दर चार्ज का फ्लो रुक जाएगा. दोनों प्लेट्स के दरमियान गैप है, कोई मीडियम मौजूद नहीं है. तो ये जो डायरेक्ट करंट है ये यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता, कुछ देर के लिए फ्लो करेगा. तो जो कैपेसिटर है वो डीसी करंट के लिए, यानी डायरेक्ट करंट के लिए एक परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करता है. अगर हम इसी कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, ये एसी सोर्स का सिंबल है, तो एसी सोर्स की पोलैरिटी वक़्त गुजरने के साथ साथ चेंज होती रहती है. कुछ टाइम के लिए ये टर्मिनल होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव. तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे इस तरह चार्ज आएगा कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जमा होगा. लेकिन कुछ लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद, कैपेसिटर की इस एसी सोर्स की पोलैरिटी चेंज होगी. ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाएगा और ये बनेगा नेगेटिव. तब क्या होगा, इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इधर आएगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा और इसके ऊपर नेगेटिव. फिर कुछ लम्हे के बाद पोलैरिटी चेंज होगी, फिर ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा. तो एसी सोर्स की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से चार्ज मुसलसल एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक फ्लो करता रहता है. तो हम ये कहते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स जो है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, वो कैपेसिटर के अक्रॉस फ्लो कर लेता है, क्योंकि एसी की पोलैरिटी चेंज होने से चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं रुकता. ये याद रहे कि चार्ज कैरियर यहाँ दरमियान में डायरेक्ट एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नहीं जाते, बल्कि अल्टरनेटिंग करंट के केस में प्लेट्स की मुसलसल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से करंट फ्लो करता रहता है. लेकिन डायरेक्ट करंट के केस में कुछ लम्हे के लिए करंट फ्लो करता है सिर्फ उतनी देर जब तक कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं हो जाता. जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो करंट का फ्लो रुक जाता है और फिर ये एक परफेक्ट इंसुलेटर के तौर पे काम करता है. तो करेक्ट ऑप्शन ए है, डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एक परफेक्ट इंसुलेटर है. सी ऑप्शन नहीं हो सकता कि डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग दोनों के लिए ये परफेक्ट इंसुलेटर हो, ये तो ऑप्शन गलत है. सो ये अल्टरनेटिंग करंट बेस्ट ऑप्शन है. और यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग करंट, वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट है, लेकिन इसमें कोई क्लियर बात नहीं है. सो अल्टरनेटिंग करंट जो है ये, इसके लिए ये फ्लो कर सकता है और डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं कर सकता.